पूर्वांचल के गाजीपुर सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवन ने कहा कि हमने तमाम विकास कार्य किए और उन्हीं विकास कार्यों के बल पर हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार से दोगुना मार्जिन से जीतूंगी। देखिए गाजीपुर सदर विधानसभा से जनखबर की खास रिपोर्ट। आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि आप जो बुलडोजर की बात करती है वो निष्पक्ष तरीका से नहीं चलता है, वो मतलब एक तरफा चलता है कि विपक्षी पार्टी के जितने भी वो हैं उन्हीं के ऊपर चलता है, क्योंकि सब पे चलता है जितने भी। अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता है, ना कोई दल होता है, और जहां भी आवश्यकता पड़ी है वहाँ बाबा ने बुलडोजर चलाया है और आगे भी चलेगा। एक बात उठती है, आप महिला हैं, महिला के नाते एक बात उठती है सुरक्षा की, महिला सुरक्षा की। क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में महिला सुरक्षा बढ़ी है? क्योंकि अगर एनसीबी की रिपोर्ट देखें तो उसमें जो क्राइम रेट है वो बढ़ा है पिछले 5 सालों में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो अपने प्रारंभ काल से ही नारियों पर, बेटियों पर विशेष ध्यान दिया है, और यही कारण है कि लाल किले के प्राचीर से कोई पहला प्रधानमंत्री ऐसा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए शौचालय की बात सोचते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को घर घर तक पहुंचाते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता आती है और लोग भ्रूण हत्या बंद करते हैं, बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यह केवल जनता में ही इसका असर नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का असर विपक्ष पे भी गया है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को, विपक्ष भी फॉलो कर रहा है और प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देना शुरू किया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यह आपने सही याद दिलाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या लगता है कांग्रेस के लिए कितना सार्थक है? कांग्रेस अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चल रही है। जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसी को वो सोच रही है कि करके हम लोग भी आगे आ जाएंगे। तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया तो उन्होंने भी ऐसा करना प्रारंभ किया कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो सोची कि ऐसा करेंगे तो महिलाएँ हमारे साथ आएंगी। लेकिन महिलाओं के लिए भाजपा ने जो किया है वो आज तक कोई नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं माननीय आज हमारे बीच में नहीं है सुषमा स्वराज जी, विदेश मंत्रालय जैसा मंत्रालय उनको मिला, माननीय निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्रालय मिला, आज वो वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं, स्मृति ईरानी को आप देख ही रही हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े ओहदों पे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को स्थापित किया है, ये बहुत गौरव वाली बात है। एक चीज ये भी, 25 करोड़ का जियो ट्यूब का कार्य करवाया, हजारों बीघा की जमीनें बाढ़ में बह जाया करती थी, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन मैं आई तो वहाँ के जो लोग हैं जिनकी भूमि है आज सुरक्षित है। हमारे यहाँ हेड से टेल तक पानी नहीं जाता था करंडा की नहरों में, जब मैं आई तो हेड से टेल तक हमने पानी करवाया। इतना ही नहीं, नहरों का मैंने पक्कीकरण भी करवाया। हमारे क्षेत्र में रोडवेज बस नहीं चला करती थी, वहाँ पर हमने धर्मपुर से होते हुए सैदपुर से बनारस के लिए एक रोडवेज बस भी चलवाया। अपने क्षेत्र में हमने मौनवी बाबा धाम पर 51 लाख का सौंदर्यीकरण का भी कार्य करवाया। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैरिसाल सुल्तानपुर में हमने बनवाया है, वो बनकर तैयार भी है। इसके अलावा तमाम विकास के कार्य किए गए हैं और हमें लगता है कि इन विकास कार्यों के बल पर ही हम आने वाला पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आपके आगे नाम के आगे लगता है मैम डॉक्टर, आप डॉक्टरी भी करती हैं, ऐसा क्या हुआ कि नहीं मतलब डॉक्टरी से आपने राजनीति चुना? देखिए छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में हूँ। 1997 में पीजी कॉलेज गाजीपुर का मैंने चुनाव लड़ा था प्रथम छात्रा प्रत्याशी के रूप में, और रिकॉर्ड मतों से गाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और मुझे विजयी बनाया। 2005 से 2010 तक मैं जिला पंचायत सदस्य भी रही और यह राजनीतिक सफ़र मेरा लोगों के आशीर्वाद से आगे चलता हुआ बढ़ता गया, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और मैं विधायक निर्वाचित हुई।
हुई और आज पुनः जनता के बीच में मैं हूँ। राजनीति की शुरुआत आपने 2017 में करी, अभी 5 साल हुए, 5 साल में काफ़ी अच्छा किया है। अभी अगर मैं पूर्वांचल की बात करूं, आपके विधानसभा सीट की बात करूं पूर्वांचल की, तो यहां पे कुछ जो अपोजिशन पार्टी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि कुछ यहां पर पूर्वांचल में और गाजीपुर में आपके जो बीजेपी का है वो खाता भी नहीं खोलने देंगे। जो विपक्ष है उसको भारतीय जनता पार्टी का विकास नहीं दिखता है, वो तमंचे वाली सरकार है, उसे तमंचा ही दिखता है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी तरह से माफिया और गुंडों का खात्मा करने के लिए कटिबद्ध है, और बुलडोजर वाले बाबा माफियाओं पे इस तरह से बुलडोजर चल रहा है कि वो इस उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में यदि कोई इस तरह की अराजकता फैलाता है या गुंडई करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे छोड़ेगी नहीं, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश का शासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा आने वाले समय में भी चलने वाला है। योगी जी भी रह कर बुलडोजर की बात करती है, आपने भी बुलडोजर की बात करी है। एक बात सामने, मोदी और योगी जी का नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या आप खुद पे कैपेबल हैं कि नहीं, मेरे अपने काम पे आप जनता आपको वोट दे रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने कार्य किया है और मोदी जी और योगी जी ये एक विश्व स्तर के नेता हैं और उनके नाम पर वोट लेना सबके लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह से मोदी जी ने कार्य किया है, कहीं भी आप देख सकते हैं कि तिरंगे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, धारा 370 हटाकर, 35A हटाकर पूरे भारत में पूरे भूखंड पे तिरंगा फहराने का काम। जम्मू और कश्मीर में कभी तिरंगा नहीं फहराता, हमारा अपना झंडा नहीं था, और यदि हमारा अपना झंडा किसी ने वहाँ पर स्थापित किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इस तरह के बड़े बड़े कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और इतने बड़े ब्रांड हम लोगों के पास है तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, योजनाएं हमारी पात्रों तक पहुंची नहीं थी, तब हम लोग 325 पे आए। तो आज तो एक एक वर्ग, एक एक जाति के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ झूम के आ रहे हैं। इस बार हम लोग 325 से पार जाएंगे। आप कितने मार्जिन से? गाजीपुर जनपद में 50,000 के आसपास लोग जीता करते थे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने इस 50,000 को आगे बढ़ाकर 92,500 से भारतीय जनता पार्टी को मुझे यहां से विजयी बनाया था और इस बार वह जीत दुगनी होने जा रही है। तो ये थी हमारे साथ सदर विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत जी, आपने उनके विचार जाने। आप अपने कमेंट में करके बताएं कि क्या बीजेपी कितने मार्जिन से जीत सकती है और कितनी सीटें आ सकती है।